नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और मैं आपके लिए लाया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। दोस्तों इस सप्ताह जो हमारे कमेंट आए थे उसको मैं यहाँ पिक किया हूँ। दोस्तों पहला जो कमेंट है वो है क्रिस आशीष टोपनो ने किया है, भैया लड़की लोगों का नामकुम रामपुर में कौन सा कंपनी है और क्या काम करना होता है। ये पूछ रहे हैं कि रामपुर जो रिंग रोड के सामने है वहाँ पे लड़कियों का क्या क्या काम मिल सकता है। दोस्तों वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे अरविंद टेक्सटाइल कंपनी है जहाँ पे आपको मतलब सिलाई रिलेटेड काम मिलेगा। अगर लड़की लोग सिलाई जानते हैं तो वहाँ पे आप उनको काम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब कपड़ा फैक्ट्री है, वहाँ पर टी शर्ट बनता है, शर्ट बनता है, वहाँ पर आपको लड़की को जॉब मिलेगा। दोस्तों रिंग रोड में ही अगर आप आगे बढ़ जाइए तो आपको वहाँ पर फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ जॉब करते हैं, आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं अपना रिज्यूम लेके, अगर वह आपको सिलेक्ट करते तो बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर ज़्यादा आपको हार्ड काम नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्ट आता है ना बाहर से तो उस प्रोडक्ट को आपको देखना है, स्कैन करना है और रखना है, फिर जहाँ भेजना है उस गाड़ी में आपको मतलब रख देना है। वहाँ पे और भी लड़के लोग भी काम करते हैं तो वो लोग अपना लोडिंग अनलोडिंग कर लेंगे। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो दिवाकर सिंह ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है क्या। दोस्तों ये आईटीआई कॉलेज हेल रांची के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रेड है, 25 ट्रेड है वहाँ पर, इसलिए बहुत ही अच्छा आईटीआई कॉलेज है। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो रांची से वहाँ पर कर सकते हैं, आपको थोड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो सिलेक्शन होता है। दोस्तों जो तीसरा कमेंट है वो किया है मिस पूजा ने, वो लिखते हैं सर प्लीज़ करवा दीजिए मेरा वेयर हाउस कहाँ है, एड्रेस बता दीजिए। वेयर हाउस का एड्रेस खोज रहे हैं और वेयर हाउस जॉब वो मांग रहे हैं, तो वेयर हाउस जॉब के लिए आपको खुद ही जहाँ पे वेयर हाउस है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपना रिज्यूम देना पड़ेगा, तभी आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ वेयर हाउस की बात कर दो तो एक तो मैं पहले बता दिया आपको अरविंद टेक्सटाइल, वहाँ पर भी वेयर हाउस का जॉब मिल जाएगा आपको। दूसरा आपको मिलेगा प्रज्ञा होम पैकर्स एंड मूवर जो हरमू में है। दोस्तों वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लड़कियों का जॉब मिलता है, अगर आप लड़की है तो आप वहाँ जा सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ सेंट्रल वेयर हाउस हेल रांची में, हेल में भी है आईटीआई के सामने, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है ट्रेवल संध्या, वो लिखते हैं आप किसी पार्टिकुलर कंपनी नाम बता सकते हैं, किसी मतलब पैकिंग जॉब के लिए ये बोल रहे हैं, पैकिंग जॉब के लिए बोल रहे हैं, कोई पार्टिकुलर कंपनी का नाम बता दिए। तो वो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ऑनलाइन वाला है इसका, जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको रिज्यूम दे दिया। मैंने फ्लिपकार्ट का तो बता दिया आपको, रिंग रोड में मिल जाएगा। अमेजोन का भी साथ कोकर में है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और पता कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप लोहाड़ी चले जाते हो वहाँ भी आपको बहुत सारे जॉब मिलेंगे, जैसे कि आप वहाँ पे मुड़ी फैक्ट्री है, चिप्स फैक्ट्री है। अगर आप इरबा तरफ चले जाते हो और माझी तरफ, तो वहाँ पे आपको चॉकलेट फैक्ट्री मिल जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे जॉब आपको मिल जाएंगे। अगला जो कमेंट है वो ठग लाइफ ने किया, वो लिखते हैं बुंडू में मेस का डिटेल्स दीजिए ना, वही चाहते हैं कि बुंडू में मेस का डिटेल्स दीजिए, मतलब कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ मेस का सुविधा मिलता है। दोस्तों अगर खर्चा की बात करें तो वहाँ पे लगभग आपको 2000 से 2500 के बीच आपको मेस का सुविधा मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे, आप पढ़ाई करने का माहौल भी बहुत अच्छा है बुंडू में। अगर आपको मेस का, बहुत सारे लॉज होते हैं ना उनमें तो मेस का सुविधा उपलब्ध होता है, आप पता कर लीजिएगा बुंडू में तो मिल जाएगा आपको, जैसे ट्रेन लॉज हो गया और भी कुछ कुछ लॉज है वहाँ पर आपको मेस मतलब इंक्लूड है। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वहाँ का जो होटल है, जैसे कि फूड प्लाजा होटल जो आपका मौजूद है कॉलेज रोड में, वहाँ पर भी आपको मेस का सुविधा मिलता है, तो आप देख लीजिएगा जहाँ आपको अच्छा होगा, आप पता कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो वेदांश ने किया है, सुरेंद्रा के पास कोई हॉस्टल है क्या। ये पूछ रहे हैं कि सुरेंद्रनाथ जो स्कूल है उसके पास कोई बॉयज हॉस्टल है क्या। तो वहाँ मैं बता दूँ कि बॉयज हॉस्टल तो मिलता नहीं उधर, आपको या तो बूटी मोड़ में जाना पड़ेगा या खेगा चौक दिबाटोली में, आप वहाँ पर रूम ले सकते हैं, उधर रूम मिल जाता है लेकिन हॉस्टल सुविधा नहीं है। हॉस्टल अगर आपको लेना है तो इधर कोकर तरफ आपको आना होगा, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, उस रोड में तो वहाँ पर नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है उपेंद्र राणा ने किया है, रांची में आईटीआई कॉलेज कौन सा अच्छा है, एनसीबीटी वाला, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मुझे इलेक्ट्रिकल करना है, रिप्लाई करें। रांची में अगर आईटीआई कॉलेज की बात करें तो सबसे अच्छा जो आईटीआई कॉलेज है आईटीआई हेल रांची। दोस्तों यहाँ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और भी कुछ कॉलेज है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका करीबन 40,000 खर्चा होगा 2 साल का, आप कर सकते हैं। रांची में कॉलेज है लेकिन आईटीआई हेल अगर आपको मिल गया तो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों जो अगला कमेंट है एडिटर सुनील ने किया है, मी फ्रॉड हो गया, मतलब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो बोल रहे हैं। दोस्तों फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो बोलता है कि कुछ पैसा दीजिए तो आपको जॉब पे लगा देंगे, और बाद में पैसा ले लेके चले जाते हैं। दोस्तों आपको जॉब में पाना है तो पैसा मत दीजिएगा, खुद से मेहनत कीजिए, खुद जाइए इंटरव्यू दीजिए, बात कीजिए, तभी आपको जॉब जेन्युइनली मिलेगा। किसी कंपनी के थ्रू जाइए, किसी आदमी के बात में आ जाइए तुरंत नहीं देना है, और देखिएगा कि वहाँ का वो क्या क्या दिखा रहा है आपको। जब भी आपको किसी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे देखिएगा क्या क्या आपको दिखाया जा रहा है, वो कंपनी दिखाया जा रहा है कि नहीं, क्या काम करना पड़ेगा वो दिखा रहा है कि नहीं, बोला कि वहाँ पे आ जाना, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, फिर या फिर आपको बोला कि आपको घर बैठे काम मिलेगा, ऐसा में तुरंत फंसना ही नहीं है, घर बैठे काम मिलने वाला नहीं है।
उतना आसानी से नहीं होता ये सारा चीज़, इसलिए आपको समझिएगा, थोड़ा पैसा बाद में दीजिए। कल ही एक लड़का ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, उन्होंने वो भी लिखे कि मेरे साथ 4000 रुपये का फ्रॉड हो गया। अब सोचते थे बहुत ही बुरा लगा मुझे, हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है 4000 रुपया, कितना पैसा इंपॉर्टेंट है, 4000 रुपये से ठग लिया गया। उनको बोला कि जॉब देंगे, बाद में वो 4000 दे भी दिया, बाद में ना जॉब मिला ना कुछ मिला। उसे एक वेबसाइट ऑनलाइन था कुछ, एक वेबसाइट मिला था और एक लिंक दिया गया था, ना लिंक खुला ना कुछ हुआ। बाद में जब कॉल कर रहे थे, कॉल भी वो लोग रिसीव नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। वो भी मुझे बोले कि कहीं जॉब वगैरह होगा तो बताइएगा, तो मैं यही बता देना चाहता हूँ आपको भी, अगर वो लड़का देख रहा है तो उसको भी बता देना चाहता हूँ कि आप चले जाइए, जैसे कि जो जो मैंने लोकेशन बताया, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट का ऑफिस जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं इधर कॉल सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर मिलेगा तो आपको जेन्युइनली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉल में आप जा सकते हैं, ये सारा चीज़ में आप जाइए, किसी भी कंपनी या किसी के थ्रू जाने से दिक्कत है, आप खुद ही रिज्यूम देकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ना कोई कोई मतलब कॉन्टैक्ट होगा तभी जॉब मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, आपको ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो ज्ञान कापरी ने किया है, भैया अपना नंबर सेंड कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नंबर तो नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मतलब ओपन कर दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, इसे दिक्कत भी हो सकता है, ये अच्छा भी नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम में आपका जवाब दूंगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों आज का कमेंट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप भी कमेंट जरूर कीजिए, आपको कुछ भी सवाल है उसका मैं नेक्स्ट हो सके तो वीडियो में आपको इस कमेंट वाला वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपका क्वेश्चन को भी पिक कर लूँगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।